कितने ग्राफ्ट चाहिए? हाय, मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर इज क्लिनिक दिल्ली इंडिया से, और ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो हर किसी हेयर लॉस वाले आदमी को जो कि ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है वो सबसे पहली चीज़ पूछता है डॉक्टर से। और मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपका गलत है दो कारण से। एक तो पहले आपको पूछना चाहिए कि मेरे कितने कुदरत के दिए हुए ग्राफ्ट गए हैं, ताकि तब आप खुद डिसाइड करो कि कितने उनमें से रिप्लेस करने हैं। दूसरा चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट और FUE दुनिया भर में अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी सबकी बराबर नहीं है। इस 20 साल में बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांस हुआ है। 20 साल पहले तक 3000 ग्राफ्ट ही ले पाते थे, तो चाहे जितना गंजा आदमी हो डॉक्टर लोग बोलते थे 3000 ग्राफ्ट लगना है। करीब 15 साल पहले हम लोग 6 से 8 हज़ार ग्राफ्ट ले सकते थे। उसके बाद करीब 10 साल पहले हम लोग 10,000 से 12,000 ग्राफ्ट के केसेस कर सकते थे, क्योंकि हम तब ग्राफ्ट आपके दाढ़ी से भी ले सकते थे, सर से तो ले ही सकते थे, आर्मपिट से भी ले सकते थे, प्यूबिक एरिया से भी। तो डोनर का प्रॉब्लम समय के साथ सॉल्व तो हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं। अब कई ऐसे जगह मिलेंगे आपको, क्लिनिक्स मिलेंगे जो आपको कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी अभी 10 साल या 15 साल या हो सकता है 20 साल पुरानी हो। तो हमेशा पहला सवाल आपका यही होना चाहिए कि मेरे कितने ग्राफ्ट गए हैं। और अगर आप खुद जानना चाहें, बहुत आसान तरीका है, आपके सर पे टोटल 40,000 ग्राफ्ट होते हैं एवरेज, जब आपका हेयर लॉस नहीं हुआ। अगर आप आधे भी गंजे हैं, आधे गंजे मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आपके बाल चले गए हैं, यहाँ के बच्चे हैं, जिसको कहते हैं कि नॉर्वुड 5 लेवल ऑफ हेयर लॉस, तो आपके 50% ग्राफ्ट कुदरत के दिए हुए चले गए हैं, यानी 20,000 ग्राफ्ट अभी नहीं है। तो उसे रिप्लेस करना होगा, तो कम से कम 50% से 60% तो रिप्लेस करोगे, यानी कम से कम 10-12,000 ग्राफ्ट तो लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जाओगे जिनको 5-6 हज़ार ग्राफ्ट से ज़्यादा करना ही नहीं आता, तो वो फिर आपको बोलेंगे कि आपको सिर्फ 5,000 ग्राफ्ट चाहिए, और फिर आप आधा अधूरा हेयर ट्रांसप्लांट के साथ फिर ढूंढोगे कि कोई और जो कि आपको बाकी का बचा हुआ ग्राफ्ट लगाए। तो बेहतर है ये पूछना बंद करें कि मुझे कितने ग्राफ्ट चाहिए, बल्कि ये समझें कि आपके कितने ग्राफ्ट गए हैं। और दूसरा, डॉक्टर से पूछें या ढूंढें उनके बारे में, जिस जो भी आपका डॉक्टर हो, कि उनको कितने ग्राफ्ट एक आदमी में एक टाइम पे करने आते हैं। अगर वो टोटल निकाल ही 5,000 ग्राफ्ट सकते हैं, तो वो उस लेवल के तो क्लिनिक नहीं हुए ना, जो कि यहाँ तक के गंजे आदमी का ट्रांसप्लांट एक यंग हेयरलाइन के साथ अच्छी डेंसिटी के साथ कर सके। तो ये कन्फ्यूजन को आई होप मैंने आपको सॉल्व करने में मदद की हो। इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो करें ही इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा टाइम से टाइम। कभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे को व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।